नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था जिस पर भयंकर घमासान जो है वो मचा हुआ है, प्रमोशन में आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर घमासान जो है वो मच गया है। चंद्रशेखर ने किया भारत बंद का आह्वान। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरियां में प्रमोशन में आरक्षण पाना मौलिक अधिकार नहीं है, लिहाजा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है, यह पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ घमासान जो है वो तेज हो गया है। फैसले के खिलाफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 23 फरवरी को भारत बंद बुलाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार को आदेश देने से इनकार कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि सभी साथी 23 फरवरी को भारत बंद की तैयारी करें, हम 16 फरवरी को मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मार्च निकालकर सरकार को बता देंगे कि आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि 23 फरवरी के भारत बंद में सहयोग करें। जय भीम। ये जो है वो चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने जो है बोला है। प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जस्टिस नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, लिहाजा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है, यह पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण भी मौलिक अधिकार नहीं है, लिहाजा सरकार को मौलिक अधिकारों की तरह आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फैसले के खिलाफ भीम आर्मी ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधान राज्य सरकारों को सक्षम बनाते हैं और यह सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है कि वही सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर फैसले के खिलाफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और शाहीन बाग के अब्बास नकवी ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की है। बीजेपी आरएसएस के डीएनए को आरक्षण चुभता है, राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा है कि बीजेपी आरएसएस के डीएनए को आरक्षण चुभता है। राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है, वे किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन को संविधान से निकालना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पहले उन्होंने रविदास मंदिर तोड़ा क्योंकि जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं उनको ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह मुद्दा है कि आरएसएस और बीजेपी दलितों जनजातियों व ओबीसी के आरक्षण के विचार के साथ नहीं जी सकते हैं, यह उनके परेशान करता है और उन्होंने इसे मिटाने की कोशिश भी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कतई सहमत नहीं हूं, बसपा की जो है चीफ है मायावती, उन्होंने कहा है। कल जो है कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो कुछ कहा है उससे बीएसपी कतई भी सहमत नहीं है, अतः केंद्र सरकार से मांग है कि वह इस मामले में तत्काल सकारात्मक कदम उठाए, अर्थात पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह उसे न लटकाए। भाजपा सरकार आरक्षण को कर रही कमजोर, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे देश में सदियों से वंचित दमित दलित समाज को बराबरी का हक देने के लिए आरक्षण एक कारगर उपाय रहा है, वर्तमान भाजपा सरकार लगातार इसे कमजोर कर रही है। हम एससी एसटी आरक्षण के साथ साथ जातियों की गणना के समर्थन में हमेशा रहे हैं ताकि सबको उनका संख्यानुपात में उनका हक मिल सके। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम केंद्र की एनडीए सरकार को चुनौती देते हैं कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करें या फिर आरक्षण को मूल अधिकार बनाने के लिए मौजूदा संसद सत्र में संविधान में संशोधन करें, अगर ऐसा नहीं होगा तो सड़क से लेकर संसद तक संग्राम होगा।
अब आप देखिए कि जिस तरह इस आरक्षण पे जो है कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एससी एसटी जो फैसले पर घमासान हो रहा है और चंद्रशेखर ने बंद का आह्वान किया है। अब जो बंद का आह्वान है वो कितना सफल होता है कितना सफल नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर हाँ प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो है जो बातें चल रही हैं वो अब जो है इतनी आसानी से थमने वाले नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।